जैसा कि काइंडली आपके लिए आरआरबी भी और क्लैरिकल के यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम से पहले, और इसको हर कोई जरूर से जरूर अटेम्प्ट करेगा, बिकॉज बिल्कुल रियल एग्जाम फीलिंग के साथ आपका 4 स्लॉट्स में ये एग्जाम यहाँ पर करवाया जा रहा है, और इसके थ्रू जो भी विनर्स होंगे उनकी फी काइंडली पे करेगा। अभी रिसेंटली SBI क्लर्क 2022 के लिए हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में और कुछ लोगों ने फोन नहीं उठाया जिनके नाम आए हुए थे, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करती हूँ इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12th of June और 30th of June को होना है, तो डोंट मिस दिस एग्ज़ाम। 4 स्लॉट में होगा, जैसे आपका एग्जाम हॉल में होता है, MBBS कंडक्ट करवाता है, कुछ नहीं आपको ऑनलाइन घर पर बैठ के ही देना है, बस आपको इसमें इनरोल करना है। अगर आप इनरोल नहीं करोगे आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपका मॉल प्रैक्टिस रोकने के लिए की गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब उन्होंने करवाया था तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिली थी, ठीक। अब करना क्या है, एक लिंक मैंने आपको जब ये वीडियो बनाई थी इसके लिए स्पेशल तब प्रोवाइड करी थी कि किस लिंक के थ्रू आपको इनरोल करना है, तो अभी मैं इस कॉमेंट सेक्शन में भी दूंगी, सुन लीजिए। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास आप काइंडली के क्या वेबसाइट पर पहुंचोगे, तो वहां पर ये दोनों आपके पास आएंगे एग्जाम RRBP और RRBP क्लर्क के स्लॉट, उनमें आपको बस उस इनरोल नाउ पर क्लिक करना है, वो इनरोल लिख कर आएगा, बस काम करता हूँ, ठीक। अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि वो जैसे ही मोबाइल से उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनसे लिए साइन इन साइन अप के लिए बोलेगा, तो जिस भी ID से मतलब मेल ID से आपने काइंडली के वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है और आपने वहां काइंडली के लिए जो पर्टिकुलर पासवर्ड यूज़ किया वो आप डालोगे तो वो आपका फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, और इनरोल नहीं करोगे तो पेपर दे नहीं पाओगे, और जैसे ही आप इनरोल करोगे 11th ऑफ जून को आपका एक एडमिट कार्ड आएगा आपकी सेम मेल आईडी पर जिससे आपने काइंडली पर इनरोल किया है और आपने रजिस्टर किया हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में मिसमैच मत करना कि आईडी किसी और से इनरोल कर दी और साइन अप दोबारा किसी और की आईडी से देख रहा हो कि मेरा मेल ही नहीं आ रहा, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही वो आपका स्लॉट वहाँ पर आएगा, लिंक देंगे हम लोग मेल पर, तो उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट पर पहुँचोगे। जो भी टाइमिंग होगा कोशिश करिए उससे 10 मिनट्स पहले आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट यू विल नॉट अलाउड। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे आपका IBPS का पता है सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि आप लोग उस एग्ज़ाम की फील को भी देख पाओ कि क्या क्या डिसिप्लिन आपको यहाँ पर फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और बाकी कोशिश करिए, एक तरह से बहुत मेहनत करो इस एग्ज़ाम के लिए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की, और कोई डाउट हो आप लोग कॉमेंट करके पूछ लेना। और हाँ एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत नहीं 2-3 का मैसेज आया था कि मैम मेरे पास कॉल ही नहीं आया, सबको कॉल किया गया था, हमारे पास प्रूफ है, और जिन्होंने मैसेज किया उनको भी हमने प्रूफ के साथ भेज दिया। क्यों आप लोग क्या करते हो ना, अपना मेल चेक नहीं करते और नहीं कॉल उठाते, तो IBPS आपको सिर्फ क्या करता है, मेल भेजता है, कॉल नहीं करता। हम लोग आपको कॉल भी कर रहे हैं यहाँ पर 2-3 बार, बट फिर भी आप लोग अननोन नंबर सोच के उठाते नहीं हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। इतना सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम लोग घर पहुँचा के आपको देख कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहें, अवेयर रहें। कोई डाउट हो कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, आपकी क्लासेस 10 PM पर आप कॉन्टिन्यू यहाँ पर होंगी, ठीक है। एंड कुछ दिन बाद हम लोग बोर्ड से भी स्टार्ट कर देंगे लाइव, बट अभी मैं अभी आपका OVS से लूँगी और बैच के बारे में कल आपका पूरा फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।